हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेहा की पाकशाला में। सर्दियों का मौसम है और बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेश चने का साग मार्केट में अवेलेबल है। चने के साग के साथ गर्मा गर्म बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम चने का साग बनाकर तैयार करते हैं। हम कुकर में एकदम बारीक कटा हुआ 250 ग्राम चने का साग डालेंगे। चने के साग को आप जितना बारीक काट सकें उतना बारीक काटें, क्योंकि जितना ही बारीक कटेगा उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें एक गिलास पानी डालेंगे, एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी अभी कम लग रहा है तो हम इसमें एक गिलास पानी और डालेंगे, वापस से एक बार मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे। गैस को ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें एक सीटी आने देंगे। हमारे कुकर में एक सीटी आ गई है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। हमारा कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और हमारा चने का साग अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1/3 कप ये छिलके वाली मूंग दाल डालेंगे। हमने मूंग दाल को अच्छे से साफ करके और धो के लिया है। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। मूंग दाल को चने के साग में अच्छे से मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन दोबारा से लगाएंगे। गैस को ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें हमें सीटी नहीं आने देनी है। सीटी आने के जस्ट पहले हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी मूंग की दाल भी चने के साग में अच्छे से पक गई है। हमें मूंग की दाल को बिल्कुल घुलने नहीं देना है चने के साग में। थोड़ी खड़ी खड़ी ही मूंग की दाल चने के साग में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे 1 कप थोड़ा खट्टा दही लिया है, लेकिन अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो आप 1/2 कप दही डालें, और अगर आपका दही बिल्कुल खट्टा नहीं है तो आप 1 कप की जगह 1.5 कप दही डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप ही बाजरे का आटा डालेंगे। इस बाजरे के आटे को हमें दही में अच्छे से मिक्स करना है और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। बिल्कुल भी गुठले नहीं रहने चाहिए। हमारा दही और बाजरे के आटे का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। अब हम गैस को वापस से ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। हमने ये जो दही और बाजरे के आटे का मिक्सचर बनाया है इसे हम इसे डालेंगे और साथ ही साथ मिक्स भी करते जाएंगे। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, हमारे चने के साग में उबाल आ गया है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें, जिससे कि जो हमने इसमें बाजरे का आटा डाला है वो तले में लगे नहीं। 10 मिनट हो गए हैं हमारे साग को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। अब ये बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हमने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की कटी हुई मिर्चियाँ डालेंगे, 2 चुटकी हींग डालेंगे। हमारा तड़का तैयार। अब हम इसमें अपना तड़का डालेंगे। कुकर का ढक्कन तुरंत बंद कर देंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स उसमें अच्छे से आ जाएंगे। अब हम कुकर का ढक्कन हटा के इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चने का साग बनकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे।
हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हमारा चने का साग बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा चने का साग बना है। आप इसे रोटी और पराठों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद बाजरे की रोटी के साथ ही आता है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।